हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंजलि रसोई जलसे में। सबसे पहले आपको गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए हम आज बनाने जा रहे हैं राजस्थान का फेमस राजस्थानी गुने की रेसिपी, जो कि गणगौर में काफ़ी प्रचलित है। मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, आई होप यू लाइक इट, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। इसे बनाने के लिए कई लोग मैदा एंड बेसन का यूज़ करते हैं, बट मैदा अकेले से बनाती हूँ मैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में मैदा को डाल लूँगी। मैदा डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी साबुत जीरे। साबुत जीरे डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, यू कैन यूज़ योर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके बाद मैं इसमें मौन लगाऊंगी। कई लोग इसमें घी का मौन भी लगाते हैं, बट मैं इसमें अभी ऑयल का मौन लगा रही हूँ। सो इसमें मैंने करीब 2 से 2.5 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिसमें कि सॉल्ट, मैदा, ऑयल और जीरे अच्छी तरह से मिल जाएं। से मिलाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करते रहेंगे इसे। इसके बाद मैंने इसमें डाला है भुंजा हुआ जीरा, जीरे का पाउडर। आप अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये देखिए इस तरीके से बाइंड होना चाहिए, इसका मतलब है आपका मौन अच्छी तरह से लगा हुआ है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपको धीरे धीरे करके डालना है, जिससे कि आप अच्छा आटा गूंथ ले। जिस टाइप से हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं टाइट, उस तरह से आपको आटा गूंथना है। आटा गीला बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज जो आप गुने बनाएंगे वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे। आटा लगाना सभी को आता है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जाके सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें हमारी चैनल को। और यदि आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं उस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए हमारा जो आटा है वो लग चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, अच्छी तरह से मसल मसल के इसे गूंथ लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स या बिल्कुल अच्छा चिकना हो जाए। जितना अच्छा हमारा आटा होगा उतने अच्छे आपके गुने बनेंगे। गुने कई प्रकार के बनाए जाते हैं, और एक पारंपरिक ट्रेडिशनल रेसिपी है राजस्थान की, नमकीन गुनगुने, मीठे गुनगुने। कभी मैं आपके साथ मीठे गुनगुने की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, और स्पेशली गणगौर पे ही बनाए जाते हैं। ये देखिए हमारा आटा भी जब तक गूंथ चुका है। इसके बाद हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की लेंगे, और उसको अच्छी तरह से उसमें ग्रीस कर देंगे आटे में। और आटे को हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए अच्छी तरह से रख देंगे। ये देखिए ऑयल की मैंने ग्रीस कर दिया है आटे को अच्छी तरह से। उसे अच्छी तरह से मसल के एक सा कर रही हूँ। और इसके बाद मैं अच्छे तरीके से इसे आटे को रख दूंगी सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए। आप आधे घंटे से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। अब मैं एक चकला लूँगी, उसमें एक पोर्शन लोई लूँगी, और इसको अच्छी तरह से गोल करूँगी। इसके बाद जो हमने मैदे का पोर्शन लिया है उसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे,
और इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। पतला बेलना है ऐसे, ना ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा, रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है ऐसे। ये देखिए मैंने पूरा इस तरीके से बेल लिया है। इसके बाद हम नाइफ़ की हेल्प से इसमें अच्छे से कट लगा लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये 1.5 सेंटीमीटर के हमको कट लगा लेना है। इसके बाद हम गुना बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें से एक स्ट्रिप लेंगे हम, उसको दो कट में डिवाइड करेंगे। एक्चुअली वो लंबी थी, छोटी होगी तो उसे नहीं करेंगे। उसके एक साइड में हम पानी लगाएंगे और उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये पानी वाला जो हिस्सा है वो हमारे दूसरे वाले गुने के पोर्शन में आके स्टिक हो जाए। इसलिए हमने पानी लगाया जिससे कि वो उस पर आके वहाँ पे चिपक जाए। इसी तरीके से मैंने और भी बना लिया, आप देख सकते हैं इस आपको किस तरीके से बनाना है। ये देखिए, से जहाँ से आप सील कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से दबा दीजिए, कई बार नहीं तो फ्राई करते समय ये खुल जाता है। ये देखिए मेरे सारे गुने बनके रेडी हो गए हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए जब तक रख दी थी, ये देखिए हमारी जो कढ़ाई है वो गरम हो चुकी है। इसमें हम वन बाय वन करके हमारे सारे गुनों को डालेंगे। गैस की जो फ्लेम है उसको आप पहले स्लो पे ही रखिए, अदरवाइज़ जो आपके गुने हैं वो ज़्यादा तेज़ जो फ्लेम गैस फ्लेम रहेगी आपकी तो उसमें जल जाएंगे और अंदर से अच्छी तरह से सिक नहीं पाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको इसे जो गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम में ही आपको इसे फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसे आप इस तरीके से स्टेयर करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पे और काफ़ी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इसे हम एक टिश्यू पेपर वाले प्लेट में निकाल लेंगे और रेडी हैं ये खाने के लिए। आप माता रानी को भोग लगाइए और इस रेसिपी को इस गणगौर पे ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।